नोटबंदी की तर्ज पर अब सरकार एक बड़ा खेल खेलने जा रही है। इसमें घर पर रखे हुए सोने का आपको हिसाब देना पड़ सकता है या फिर उस पर टैक्स चुकाना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि काले धन पर एक और प्रहार करने के लिए सरकार यह योजना ला रही है, गोल्ड एमनेस्टी स्कीम ला सकती है सरकार, ऐसा कहा जा रहा है। सोने में काले धन की जो खपत हो रही है उसको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा सकती है और इसके लिए कहा जा रहा है कि जल्द ही एमनेस्टी स्कीम लॉन्च हो सकती है, जिसके तहत लोगों को सोने का हिसाब देना होगा और बिना बिल वाले सोने पर टैक्स चुकाना होगा। कहा जा रहा है कि यदि सरकार यह कदम उठाती है तो नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ यह सबसे बड़ा कदम होगा। इसे नोटबंदी की ही अगली कड़ी माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार काले धन का एक बड़ा हिस्सा सोने के रूप में मौजूद है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि टैक्स की दर क्या होगी। बताया जाता है कि टैक्स 30% हो सकता है, जो सेस के साथ 33% तक पहुंचेगा। बताया यह भी जा रहा है कि सोने के रूप में लाखों करोड़ रुपए का काला धन पड़ा है, जिसे सरकार बाहर निकालना चाहती है। यह भी बताया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की थी, जिसे IDS 2 के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी सफलता सीमित थी। माना जा रहा है कि तब जो कसर रह गई थी उसे गोल्ड एमनेस्टी स्कीम से पूरा किया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि सोना जिन लोगों के पास है उन्हें इसका हिसाब देना होगा, और अगर वे हिसाब नहीं दे पाते हैं तो उन्हें सरकार की कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।